ये मोदी जी की सरकार है और ये अपनों को भी नहीं छोड़ती। प्रियंका गांधी जी अटेंड अंबानी मैरिज व्हिच इज टोटली रॉन्ग सर। एंड नोबडी शुड टॉक अबाउट अ लेडी ए हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस हाउस। बी शी हैज नॉट अटेंड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अटेंडिंग इवन इफ समबडी डिड। कोई चोरी नहीं है उसमें। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोचते हैं? बीजेपी वॉज द गवर्नमेंट विच टॉक्ड अबाउट हाई मोरालिटी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बड़ी अच्छी बात थी, मैं भी प्रभावित थी कि इस देश से अगर करप्शन जा रहा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में और देश में हुआ नहीं सर, क्योंकि ये इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी का जो आइस है, और एक स्टोरी चलती थी महाराष्ट्र में सर जिसको बोलते थे डर्टी डजन। डर्टी डजन मतलब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, सांसद रहे हुए, वो आरोप करते थे कि एनसीपी मतलब नॉट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सर, नेचुरली करप्ट पार्टी जो उनको कहते थे, और जो ओरिजिनल है वो क्लेम करते वही है। अगर ओरिजिनल नेचुरली करप्ट पार्टी ओरिजिनल है तो अभी उनकी तरफ है। सो आई सीक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कि शी शुड गिव अस अ लाइन एंड टेल अस कि इनकम टैक्स सीबीआई ईडी नेचुरली करप्ट पार्टी ओरिजिनल बड़ा क्लेम करते हैं उनकी है, तो ये बता दे कि इनकम टैक्स सीबीआई ईडी का क्या हुआ, डर्टी डजन का क्या हुआ? स्पीकर सर, मैंने पिछली बार बोलते हुए ये कहा कि ये मोदी जी की सरकार है और ये अपनों को भी नहीं छोड़ती। इसी सदन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीएम सिद्धेश्वर थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ 80 करोड़ रुपया जो है उससे भारत सरकार ने लिया। ये मोदी जी की सरकार है, यदि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चोरी करेंगे तो उनके ऊपर भी इनकम टैक्स होगा, ईडी होगा। और जो राहुल गांधी जी के ऊपर है वो चिदंबरम साहब का पीएमएलए एक्ट है जिसके कारण उनके ऊपर जो है ईडी का केस चल रहा है। ओके हाँ एवरी टाइम माइक सर, यस सर, एवरी टाइम ऑनरेबल चेयर अलाउड निशिकांत दुबे टू स्पीक, व्हेनेवर ही स्पोक इन द हाउस प्रियंका गांधी जी अटेंड अंबानी मैरिज विच इज टोटली रॉन्ग सर, विच इज टोटली रॉन्ग। एवरी टाइम ही इज टेलिंग दिस गलत बात, यू आर अलाउइंग दैट ओके नो नो आप ओके प्लीज आप कंक्लूड कीजिए सर। आई वुड लाइक ऑन बिहाफ ऑफ माई कॉलीग्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस हाउस, but at a personal level she is a woman and nobody should talk about a lady a who's not a part of this house, b she has not attended and there is nothing wrong in attending even if somebody did। koi chori nahi hai usme। jis shaadi mein pradhanmantri ja sakte hai usme kya dikkat hai kisi aur ko jaane ke liye? so it's not fair to say bring somebody's wedding in it sir, it's not fair sir, it's not fair। she is not a member sir, she is not a member of this house and she did not attend। let's go by factuals, there is nothing wrong in attending a wedding officially, what is wrong in attending, but let's not do a fake narrative। okay. the problem with the BJP is they do fake narrative and malign people, they have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other family। have they ever thought what our families go through? jab logon ko jhoot jhoot arrest karte, kabhi socha hai उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोच रहे? दे आर ओनली डूइंग दिस जस्ट टू बी इन पावर फॉर देयर सेल्फिश नीड्स, सो दे शुड बी फेयर। आई रिमेंबर अमित शाह जी स्टेटमेंट, लास्ट अमित शाह जी स्टेटमेंट, आई लाइक टू कोट द ऑनरेबल अमित शाह जी, ही सेड जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो तीन उंगलियां खुद पे। बीजेपी विद फुल ह्यूमिलिटी आई कोट अमित शाह जी ओनली कि जब एक उंगली हम पारी तरफ दिखाते हैं तो तीन आपकी तरफ है। दैट्स ऑल आई से, थैंक यू वेरी मच सर। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।